हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। दोस्तों, आपको चेस ओपनिंग में अलग अलग तरह की नई नई लेटेस्ट मूव्स सीखनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे अभी हाल में कंपटीशन इतनी चेस में बहुत ही बढ़ गई है कि हर रोज़ आप कोई भी ओपनिंग तैयार करके जाते हो टूर्नामेंट में, और आपके अगेंस्ट सामने वाला कुछ नया लेके आता है, तब आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। इसीलिए मैंने आपके लिए एक बहुत ही शानदार ओपनिंग e4 e5 अगेंस्ट bc4 ओपनिंग, जो बिशप ओपनिंग कहलाती है, उससे ब्लैक के कैसे प्ले करना है ये मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। खास करके दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए अपने ग्रुप में। तो चलिए शुरू करते हैं, हाउ टू प्ले अगेंस्ट e4। e4 वाइट प्लेस। अब मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हम स्कैंडिनेवियन के बारे में बहुत कुछ वेरिएशन सीख चुके हैं। आज मैं आपको नॉर्मल, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली ओपनिंग, जो e5, इसके बारे में बताऊंगा। वाइट प्लेस सेकंड मूव नाइट f3, ज़्यादातर लोग सेकंड नाइट f3, इसके सामने आपको खेलना है नाइट c6। आफ्टर नाइट c6 वाइट प्लेस बिशप c4। यहाँ पे दो वेरिएशन है दोस्तों, बिशप b5 और बिशप c4। बिशप b5 खेलने से रुई लोपेज ओपनिंग में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि bb5 के सामने लियोन आरोनियन वेरिएशन मैंने तैयार किया है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। bc4, उसके सामने आपको खेलना है नाइट f6। जनरली गोइको पियानो अगर आप खेलना चाहते हो तो bc5, जेन c3 और d4, ये सब इसमें हमें नहीं पढ़ना है। नाइट f6 इज ओके। अब यहाँ पे ज्यादातर प्लेयर नाइट g5 f7 को टारगेट बनाते हैं। नाइट g5 ये कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। पहले जो ओल्ड वेरिएशन था उसमें ब्लैक फंस जाता था नाइट g5 से, तो तब मेन मूव d5 रहती थी, व्हाइट पॉन टेक्स पॉन करता था, और नाइट टेक्स पॉन के बाद नाइट सेक्रीफाइस कर वाइट, नाइट क्रॉस f7, आफ्टर किंग क्रॉस f7, उसके बाद क्वीन f3 चेक, और वो अपना पीस वापस लेता है। और अगर आप पीस देना नहीं चाहते हो तो किंग को e6 फोर्स मूव है, और उसके बाद नाइट c3, और यहाँ से पूरा कमांड वाइट के हाथ में चला जाता है। लेकिन मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा, तो यहाँ पे हम फिर से देखते हैं कि हमें क्या करना है। जो मेन मैंने आपके लिए एक सरप्राइज मूव तैयार करके रखी है, सरप्राइज मूव जो कभी वाइट ने सोचा भी नहीं होगा, e4 e5 नाइट f3 नाइट c6 बिशप c4 नाइट f6 एंड नाइट g5। यहाँ पे आपको d5 तो खेलना ही है। अब d5 के सामने e takes d5, लेकिन अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि नाइट क्रॉस d5 नहीं करना है। अब मैं आपके लिए बहुत ही जोरदार मूव लाया हूँ, पॉन टू b5। ये आप सोचोगे कि यहाँ पॉन टेक्स नाइट मर रहा है और बिशप से ये पॉन मर रहा है, तो इसमें सभी वेरिएशन में ब्लैक को ही फायदा होता है। तो b5 के बाद वाइट के पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बिशप f1, दूसरा ऑप्शन है बिशप टेक्स b5, और थर्ड ऑप्शन है d takes c6। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं बिशप f1। बिशप f1 के बाद आपको खेलना है नाइट d4। अब आपका नाइट भी बच गया और ये पॉन को सपोर्ट भी हो गया। नाइट d4 के बाद वाइट खेलेगा यहाँ पे c3। c3 के बाद नाइट क्रॉस d5। अब हर एक मूव में आपको काउंटर ही काउंटर दिखेगा, यहाँ पे काउंटर ही काउंटर। तो ये कुछ नया है और ट्राई करने जैसा है। मैं बहुत बार ये खुद ही ट्राई कर चुका हूँ और बहुत सक्सेस हूँ, और मैं फिडे डेटिंग टूर्नामेंट में भी ये गेम खेल चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको ये सजेशन कर रहा हूँ। तो नाइट क्रॉस d5 के बाद में वाइट अगर पॉन टेक्स नाइट मरता है तो क्वीन टेक्स g5, आपको पीस वापस मिल रहा है। अब क्वीन g5 के बाद यहाँ पे वाइट खेलेगा बिशप b5 चेक, आपको सिंपल किंग d8 खेलना है। आफ्टर किंग d8
क्वीन टू f3, आपके नाइट पे अटैक, यहाँ पे आपको खेलना है e takes d4, e d4 वाइट कैसल करेगा, यहाँ पे रुक b8, बिशप c4, आपके नाइट पे दो अटैक आते हैं, सिंपल बिशप टू b7, डिस्कवर थ्रेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आफ्टर d3 यू कैन प्ले नाइट e3, सेक्रीफाइस योर नाइट। यहाँ पे देखो दोस्तों, पॉन से नाइट मारने जाएंगे तो बिशप टेक्स क्वीन हम भी डिस्कवर थ्रेट दे रहे हैं, और अगर बिशप टेक्स नाइट किया तो हम बिशप टेक्स क्वीन नहीं पर हम पॉन से बिशप मारेंगे। अब क्वीन g3 फोर्स हो जाएगा, आफ्टर क्वीन g3 आप सिंपल e takes f2 चेक, किंग h1 और यहाँ पे क्वीन h5, और बहुत ही अलग अलग आपके पास यहाँ पे थ्रेट है नेक्स्ट में, तो बिशप d6 देन फोर्स चेकमेट। तो दोस्तों ये थी लाइन नंबर 1, ये आप नोट डाउन करके अलग अलग मूव से बाकी के मूव्स आपको एनालाइज करने हैं दोस्तों, सभी मूव्स में बताने जाऊंगा तो वीडियो आपका 1 आवर से ज़्यादा हो जाएगा, और इतना लंबा वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं दूसरा वेरिएशन, e4, e5, नाइट f3, नाइट c6, bc4। अगर आप ये नाइट को अलाउ नहीं करना चाहते तो सिंपल भी खेल सकते हैं, लेकिन bc5 से बेटर है बिशप e7 में बताना चाहूँ, ये आपके लिए बेस्ट मूव होता है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि नाइट f6 और नाइट g5 को अलाउ करो, और ब्लैक को इसमें बहुत ही चांसेस है, आफ्टर नाइट g5 आपको सेम खेलना है d5, ed5 और काउंटर में b5। अब दूसरा वेरिएशन है b5, इसमें अगर बिशप टेक्स पॉन मारते हैं तो आपको यहाँ पे काउंटर में क्वीन टेक्स d5 और क्वीन टेक्स b5 की थ्रेट भी है, आपका नाइट भी सेव हो जाएगा। नाइट c3, अगर वाइट क्वीन पे अटैक करता है तो नेक्स्ट मूव में आप क्वीन टेक्स g2 और रुक पे थ्रेट दे दो, आफ्टर क्वीन f3, यहाँ पे दोस्तों बेस्ट मूव क्वीन f3 है, यहाँ आपको क्वीन एक्सचेंज कर लेना है क्योंकि क्वीन टेक्स g5 ब्लंडर होगा, यहाँ पे बिशप टेक्स नाइट हो रहा है, तो सिंपल क्वीन f3, उसके बाद नाइट टेक्स f3 और सिंपल बिशप d7 d3, देखो नाइट टेक्स e5 नॉट पॉसिबल, बिशप टेक्स देन बिशप टेक्स और उसका नाइट पिन हो रहा है, तो यहाँ पे वाइट खेलेगा d3, उसके बाद आपको खेलना है नाइट d4, यहाँ पे फोर्स एक्सचेंज है, बिशप टेक्स d7, किंग टेक्स d7 और नाइट टेक्स d4, नाइट e5 ब्लंडर है दोस्तों, नाइट e5 इसलिए ब्लंडर है कि किंग e6 आ जाएगा और उसके बाद उसको नाइट भी बचाना पड़ेगा और c2 पे फोर्क की थ्रेट है, तो नाइट d4 कंपलसरी मूव है, यहाँ पे आप e टेक्स d4 करोगे, नाइट e2 और re8, बहुत ही बढ़िया पोजीशन में वाइट ब्लैक खेलेगा यहाँ पे इक्वल पॉन, लेकिन डेवलपमेंट ब्लैक बहुत ही आगे है इसमें। तो देखते हैं तीसरा वेरिएशन, थर्ड वेरिएशन में e4, e5, नाइट f3, एंड c6, बिशप c4, नाइट f6, नाइट g5, देन d5, e takes d5, b5, थर्ड वेरिएशन d takes c6, यहाँ पे सिंपल आपको b takes c4 करना है, उसके बाद क्वीन e2 डबल अटैक ऑन दिस पॉन और c4 पॉन पे, यहाँ पे आपको क्वीन d5 से दोनों पॉन को सेव करना है, वाइट कैसल करेगा क्योंकि g2 पे भी अटैक है आपका, तो यहाँ पे वाइट कैसल, कैसल में आपको bd6 अपने e5 पॉन को सपोर्ट देना है, बिशप d6 के बाद नाइट c3, क्वीन टेक्स c6, आपको जो पॉन दिया है वो आपस मिल ही रहा है, आफ्टर d4 पिनिंग पॉन पे डबल अटैक, यहाँ पे आपको एन पास से मार देना है ये पॉन को c takes, और वाइट भी पॉन से ही मारेगा c takes d3,
उसके बाद आप कैसल कर सकते हो, सिंपल कैसलिंग, नाइट सी ई फोर सेंट्रलाइज, सिंपल नाइट टेक्स नाइट, व्हाइट नाइट टेक्स नाइट और बिशप बी सेवन। दोस्तों देखो अब ये पोजीशन भी ब्लैक के फेवर में है क्योंकि दोनों बिशप किंग साइड डायगोनल में लगे हुए हैं, ओपन डायगोनल है। यहाँ पे कभी भी F5 करके नाइट को प्ले करके आप यहाँ पे मेट की थ्रेट दे सकते हो। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी दीजिए। अगर आपको इसमें कोई मूव्स में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट में। तो मेरा अगला वीडियो होगा E4, E5 और रुई लोपेस के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना है थोड़ा, एक आध हफ्ते में मैं फिर से बनाने वाला हूँ। तब तक के लिए इस वीडियो, इस ओपनिंग को आप प्रिपेयर कीजिए और एक हफ्ते में आप अच्छे से तरह से ली चेस ऑनलाइन या chess.com जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप ये ओपनिंग पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद आप टूर्नामेंट में अप्लाई कीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजा आएगा आपको ये खेलने से। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय गुजरात।